हेलो। अच्छा मुझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबका? समझ में आ गया? ठीक है मुझे बताओ, आवाज आ रही है? यस या नो में क्लियर करो पहले। क्लियर है आवाज? वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है। मुझे बताओ बेटा, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी करा दिया था? कॉम्प्लेक्सेशन नेचर करा दिया था क्या? कॉम्प्लेक्सेशन नेचर या कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी? कॉम्प्लेक्सेशन नेचर या फिर कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी करा दिया था क्या? नो, विशाल नहीं कराया है। ठीक है कृष्णा, राजेश, देवयानी, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी कराया है? नहीं कराया। ठीक है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी नो सर। ओके बेटा, ओके राजेश। ठीक है राजेश, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। चलो मैं समझाता हूँ फिर लिखाता हूँ, ठीक है ना? ये टॉपिक लास्ट वाला समझ में आ गया तो मैं सॉल्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। अच्छा कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी क्या होता है, इस पर अपन डिस्कशन करते हैं। वर्ड अपन ने जो लिखा है वो क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्सेशन मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स बनाने की। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और इन कॉम्प्लेक्स के द्वारा हाईली स्टेबल, और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कैसे होते हैं? हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है बेटा तो देखो इसको समझेंगे। अच्छा देखो सुनो, ध्यान समझ रहे ना, मैं कैसे बना रहा हूँ उसको देखना आप। एम एम फॉर मेटल, ठीक है? मैं बात करूंगा इसके बारे में, अभी तुम इसको बनाना सीखो। दिख रहा है ना यहाँ तक? क्लियर है सबका? मैंने लिखा एम एम फॉर मेटल, इसके साथ फिर चार बॉन्ड बनाना है इस तरीके से। चार बॉन्ड बना के नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन बना दिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद फिर इसके साथ नाइट्रोजन से पायरोल रिंग बनानी है आप। हर नाइट्रोजन के साथ आपको एक पायरोल रिंग का फॉर्मेशन करना है। हर नाइट्रोजन रिंग के साथ आपको एक पायरोल रिंग का फॉर्मेशन करना है। हर नाइट्रोजन के साथ आपको इसका फॉर्मेशन करना है पायरोल का। और देखो बनाओ, ये देखो इसको इस तरीके से आपस में जोड़ना है। जोड़ दिया यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है? चलो मैं देखता हूँ कमेंट, ठीक है? समझ में आ रही है यहाँ तक? मैंने एम फॉर मेटल लिया और मेटल के बाद चार पायरोल रिंग जोड़ दी। पायरोल रिंग का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, है ना? अब इसमें ना आपको ना इसकी पेरीफेरी पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन लगाने हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी जहां से आपकी इच्छा हो ना पेरीफेरी में कहीं से भी डबल बॉन्ड लगा दो। देखो डबल सिंगल 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 लगा दिए बेटा। और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनती है व्हिच विल बी नोन एज अ नेम ऑफ पोरफायरिन। इसका नाम क्या है बेटा? पोरफायरिन। और पोरफायरिन अपने आप में एक कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है बेटा? पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स अपने आप में कैसा कॉम्प्लेक्स है? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से क्या बढ़ती है बेटा? स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर इस एम एम मेटल की जगह अगर मैं क्या लगा दूं बेटा, एम जी प्लस टू मैग्नीशियम प्लस टू लगा दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो प्लांट्स में काम आता है, ठीक है? अब अपने एल्कलाई मेटल तो ये हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ तुम्हें, अगर इसकी जगह आयरन लगा दो तो बन जाता है बेटा हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन। और अगर मैं इसकी जगह लगा दूं कोबाल्ट तो बन जाता है विटामिन B12। विटामिन B12। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की है। वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा है, आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है ना? अगर इसमें एम इज इक्वल टू एम जी प्लस टू हो तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरोफिल का। और आप सबको पता है कि क्लोरोफिल एक मस्त कंपाउंड है। अच्छा अब आ रही है आवाज राजेश? आवाज आ रही है? रिप्लाई कर फटाफट बेटा। अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हेलो, यस राजेश आ रही है। कृष्णा, कृष्णा बताओ आवाज आ रही है? नहीं आ रही? यस विशाल, डन, नरेंद्र हो, हाँ आ गई। ठीक है बेटा देखो समझ में आ गई यहाँ तक की बात। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बनी? क्लोरोफिल। और आपको पता है
और आपको पता है एनिमल किंगडम के लिए और प्लांट किंगडम के लिए सबके लिए सबसे एसेंशियल एनवायरनमेंट एसेंशियल कंपाउंड कौन सा है? क्लोरोफिल। मतलब जो प्रॉपर फूड का प्रोडक्शन जो होता है, ग्लूकोज जो बनती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से बनती है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया ये तुम्हें? कॉम्प्लेक्सेशन नेचर का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यस या नो में रिप्लाई करो, बताओ जल्दी। और लिखाना शुरू करूँ क्या? डायग्राम अभी नहीं बनाना। यस ठीक है, तो बेटा लिखो, हेडिंग लिखी है आपने कॉम्प्लेक्सेशन नेचर। कॉम्प्लेक्सेशन नेचर में लिखो बेटा एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल लिखना, कंफ्यूज मत होना। एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी हैव लेस टेंडेंसी, विल बी हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, विल बी हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज बिकॉज फॉर कॉम्प्लेक्सेशन बिकॉज फॉर कॉम्प्लेक्सेशन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी रिक्वायर्ड, बिकॉज फॉर कॉम्प्लेक्सेशन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी रिक्वायर्ड विच आर एज डैश लगा दो और फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। मेटल आयन विल बी स्मॉल इन साइज, मेटल आयन विल बी स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल बी शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मीन्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स मोर देन वन, इट मीन्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, देयर शुड बी वेकेंट डी ऑर्बिटल, देयर शुड बी वेकेंट डी ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट, देयर शुड बी वेकेंट डी ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट, वेकेंट ऑर्बिटल विल बी हैव, वेकेंट ऑर्बिटल विल बी हैव लेस एनर्जी डिफरेंस, वेकेंट ऑर्बिटल विल बी हैव लेस एनर्जी डिफरेंस, वेकेंट ऑर्बिटल विल बी हैव लेस एनर्जी डिफरेंस। नेक्स्ट, चार्ज डेंसिटी विल बी हाई, नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी विल बी हाई। नेक्स्ट लाइन से लगेंगे पैराग्राफ चेंज करके। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक सेकंड होल्ड करना, फोन आ रहा है, सॉरी है ना। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो, नहीं, शाम को फोन करना, ठीक है, तब बताऊंगा सर। शाम को फोन करना, 8 बजे, आज नहीं पढ़ा रहा यार, छुट्टी तो हो गई होगी, तो शाम को फोन कर लेना, सब तो सही मेरी बात है, शाम को फोन करिए तब बताऊंगा सब बातें, ठीक है, क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, ठीक है। लिखो बेटा, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स विल बी क्लोरोफिल, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स विल बी क्लोरोफिल विच इज अ मेन सोर्स ऑफ, विच इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइफ, मेन सोर्स ऑफ लाइफ इन द अर्थ, मेन सोर्स ऑफ द लाइफ इन द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर विल बी एज, एंड इट्स स्ट्रक्चर विल बी एज। ठीक है बेटा, बोर्ड पर से स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बनाने के बाद मुझे रिप्लाई करना ओके का। बोर्ड पर से स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर में पोरफायरिन बनी है, इस स्ट्रक्चर को पोरफायरिन बोलते हैं, बीच में एम है, एम इज इक्वल टू एम जी प्लस टू है, देन क्लोरोफिल, आयरन है तो हीमोग्लोबिन, और कोबाल्ट है तो विटामिन B12। स्ट्रक्चर को बनाओ और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद मुझे ओके का आंसर दो।
कंप्लीट हो गया बेटा, बताओ यस या नो में रिप्लाई करो, मैं आगे स्टार्ट करूंगा फिर, जल्दी बताओ। बना लिया क्या बेटा, बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। यस देवयानी, ओके डन सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो ये तो हो गए अपने बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो अलग से, बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखो बेटा इन अ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। पहली हेडिंग लिखो बेटा इन अ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। पहली हेडिंग लिखो इन अ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, इन अ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें लिखना स्टार्ट करो इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी मेनी, इन ह्यूमन बॉडी मेनी नेगेटिवली चार्ज्ड, इन ह्यूमन बॉडी मेनी नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट, मेनी नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट एंड दीज एनायंस, एंड दीज एनायंस विल बी, एंड दीज एनायन विल बी बैलेंस्ड बाय द, and these anions will be balanced by the S block cations, will be balanced by the S block cations, S block cations. दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, in a osmotic pressure, in a osmotic pressure. Next heading लिखो बेटा, in a osmotic pressure, S block element will be regulate. S block element will be regulate the osmotic pressure of cells. S block element will be regulate the osmotic pressure of cells. The osmotic pressure of cells. So the shape of cell. So the shape of cell will be maintained. So the shape of cell will be maintained. For this purpose, sodium pump will be worked. ठीक है बेटा, यहां तक का क्लियर हो गया। यहां तक का क्लियर होने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नंबर बता देना कोई, सोडियम पंप, इस तरीके से सोडियम पंप, या तो ऐसे लिखो या फिर इसको लिखने के बाद आप ऐसे लिखो Na पॉजिटिव / K पॉजिटिव सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बाद आप लिखो सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पंप लिखो और सोडियम पंप के बाद लिखो आप सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप लिख लिया। अब देखो समझना ध्यान से, देखो बेटा हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, जैसे देखो मैंने मुझे किसी ने यहाँ से टच किया, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम में नर्व सेल पाई जाती है और नर्व सेल से हमारी बॉडी वर्क करती है पूरी की पूरी। मतलब मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल किससे करूंगा, नर्व सेल से। नर्व सेल कुछ इस तरीके से होती है बेटा, देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या होती है, नर्व सेल होती है, ठीक है। ये नर्व सेल की स्ट्रक्चर है। नर्व सेल के बाहर की तरफ तो बेटा सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं और अंदर की तरफ कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयन, के पॉजिटिव आयन। बाहर की तरफ तो सोडियम आयन होते हैं और अंदर की तरफ कौन होते हैं, पोटेशियम आयन। बाहर सोडियम आयनों की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर पोटेशियम आयनों की। लेकिन बेटा सेल जब वर्क कर रही है, तो जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, आप वर्क कर रहे हो, वैसी सेल वर्क कर रही है। सेल को वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए सेल क्या करती है, ग्लूकोज को यूज करती है। तो बेटा वो देखा है तुमने, जो शास्त्री पार्क का गेट देखा होगा, कभी गए होंगे शास्त्री पार्क के गेट में, वो एक चौकोर सा गेट लगा होता है इस तरीके से, एक जना अंदर घुसता है
तो दूसरा जना बाहर निकल जाता है, एक जन जब अंदर जाता है दूसरा जन बाहर आ जाता है, इस तरीके से गेट लगा होता है इस पर भी बेटा। जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाता है, जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाता है, अंदर से पोटेशियम आयन, अंदर से कौन से आयन, पोटेशियम आयन तो बाहर आ जाते हैं, और बाहर से सोडियम आयन क्या चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात को सुनना, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाली जो सेल्स होती हैं वो नर्व सेल होती हैं, और नर्व सेल से बनने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में बाहर की तरफ तो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और अंदर किसकी ज्यादा होती है, पोटेशियम आयनों की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में अंदर एंटर करता है, वैसे ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अंदर कौन एंटर हो जाते हैं, सोडियम आयन, और बाहर कौन चले जाते हैं, पोटेशियम आयन। ठीक है, तो ऐसा होने की वजह से सोडियम आयन तो अंदर बढ़ने लग जाते हैं और पोटेशियम आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बाहर बढ़ने लग जाती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बेटा हार्मफुल है। बाहर तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए थी, सोडियम एनी पॉजिटिव की, और अंदर के पॉजिटिव की, लेकिन वोल्ट आ गया, के पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होने लगी और एनी पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अंदर होने लगी। तो इस कंडीशन में एक पंप कार्य करता है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम वर्क कर रहे हैं। सो दिस पंप विल बी नोन एज अ नेम ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप को वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। एटीपी एनर्जी की यूनिट है, जिसका मतलब है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और एक एटीपी के द्वारा क्या होता है कि सोडियम के एनी पॉजिटिव जो अंदर आए हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और जो के पॉजिटिव मतलब एनी पॉजिटिव जो अंदर आए थे वो तो बाहर जाने लगते हैं फिर से, और जो के पॉजिटिव बेटा बाहर चले गए थे वो वापस से कहाँ आने लगते हैं, अंदर। तो अंदर और बाहर फिर से सोडियम और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है, और हमारी नर्व सेल प्रॉपरली वर्क करती रहती है, और हमारा सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब वर्क करते रहते हैं। इस पंप के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। सिंस इन दिस पंप सोडियम एंड पोटेशियम आयन विल बी शो मूवमेंट, इसीलिए इस पंप को कौन सा पंप कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। आंसर दो, समझ में आया है नहीं आया, रिप्लाई मी क्लियर यस और नॉट। यस वेरी गुड देवयानी, थैंक यू। राजेश, विशाल, राजेश यश, विशाल पक्का आ गया सर, ओके बेटा वेरी गुड। ठीक है तो स्टार्ट करूं, लिखवाना स्टार्ट करूं, लिखो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम विल बी हैव सिमिलरिटी, सोडियम एंड पोटेशियम विल बी हैव सिमिलरिटी इन केमिकली फॉर्म, विल बी हैव सिमिलरिटी इन केमिकल केमिकली फॉर्म, विल बी हैव सिमिलरिटी इन केमिकल फॉर्म, बट बायोलॉजिकली बोथ आर डिफरेंट इन नेचर, बट बायोलॉजिकली बोथ आर डिफरेंट इन नेचर, बट बायोलॉजिकली बोथ आर डिफरेंट इन नेचर। इन नॉर्मल कंडीशन इन आउटसाइड ऑफ सेल, इन नॉर्मल कंडीशन इन आउटसाइड ऑफ सेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन विल बी हाई, वाइल इन इनर साइड ऑफ सेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन विल बी हाई, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन विल बी हाई, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन विल बी हाई इफ देयर विल बी एनी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, इफ देयर विल बी एनी चेंज in the concentration of iron in the cell then the balance of iron will be maintained by then the balance of iron will be maintained by the sodium and potassium will be maintained by the sodium and potassium pump will be maintained by the sodium and potassium pump
विल बी मेंटेन बाय द सोडियम एंड पोटेशियम पंप फुल स्टॉप. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख लो बेटा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल. और क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं मैं यहाँ. विशाल, राजेश, देवयानी, कल आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही मैं कल क्लास में और आपसे पूछू कहां तक करा दिया है, तो आप कहोगे फॉर एग्जाम्पल तक. ठीक है बेटा, यस या नो में रिप्लाई करो. ओके करो बेटा, फिर सब ओके करो सभी. ओके विशाल, ठीक है. ओके देवयानी, वेरी गुड. राजेश, विशाल, ठीक है बेटा. कल इस एटीपी, कल फॉर एग्जाम्पल से आगे बताऊंगा तब पूरा करा दूंगा, पूरा समझा दूंगा. ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. कल बात कर लेंगे ना, कल मैं जब क्लास में आऊं तब बस मुझे इतना बता देना, फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है. ठीक है, ओके.